दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर विशाल मेगलाडोन आज भी जिंदा होती तो इंसानों का क्या होता क्या वो हमें खा जाती या फिर हम उसे मार डालते आइए जानते इस वीडियो में आपने इसी मछली को मूवीज या किताबों में जरूर देखा होगा जिसकी साइज डायनासोर से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है और हमेशा समुद्र से गुजर रहे जहाजों को अपना शिकार बना लेती थी जिसे अगर आप समुद्री दानव के नाम से भी पुकारते हो तो भी गलत नहीं होगा वैसे तो लोग इसे मेगलाडोन के नाम से पुकारते है जो की सार की सबसे बड़ी प्रजाति है जिसके मुँह की साइज इतनी बड़ी है की ये एक ही समय में काफी सारे इंसानों को निकल सकती है सोचो आप समुद्र ऐसी गुजर रहे हो तभी आपको पानी के नीचे एक हलचल महसूस हो और अचानक पानी से एक विशाल सार्क आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी वैसे तो ये जानवर विलुप्त हो चुका है नहीं तो इंसानों का पानी से गुजरना लगभग नामुमकिन हो जाता वैसे तो आपने कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जो मेगलाडोन के आज भी होने का दावा करते है या फिर ये कहते है की ये दानव आज भी पानी के नीचे छुपा हुआ है और उस जगह का नाम मेरियाना ट्रेंच है जो की धरती का सबसे गहरा हिस्सा है अगर उसकी गहराई की बात की जाए तो मेरियाना ट्रेंच की गहराई की साइज माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है लेकिन कुछ लोग इस दावे को गलत मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि अगर मेगलाडोन आज भी जिंदा होती तो वो कभी भी मेरियाना ट्रेंच में नहीं रह पाती क्योंकि मेगलाडोन को गर्म पानी में रहना पसंद है लेकिन मेरियाना ट्रेंच वाली जगह काफी ज्यादा ठंडी है वही आज तक कभी भी जहाज पर मेगलाडोन के दांतों के निशान नहीं मिले जो ये साबित करते हैं कि मेगलाडोन अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है हालांकि आज भी उसके विशाल दांत कई बार लोगों को मिल चुके हैं जो ये साबित कर देते हैं कि ये जानवर सदियों पहले समुद्र पर राज करता था लेकिन अगर हम ये मान ले कि वो जानवर आज भी जिंदा है तो मैं आपको बता दूं अगर ऐसा सच में होता तो इंसान कभी भी दूसरे देशों में समुद्री रास्ते से नहीं जा पाते यहाँ तक कि वास्को डिगामा कभी भी हमारे भारत को कभी भी नहीं खोज पाता न ही कोलम्बस कभी अमेरिका पहुँच पाता यहाँ तक की नेवी को दुश्मनों के अलावा मेगलाडोन ऐसी भी फाइट करना पड़ता न ही कभी आप समुद्र की सैर करने की हिम्मत कर पाते बल्कि आपको मार्केट में मछलियाँ महंगी मिलती क्यूँकी मछुआरे गहराई की तरफ जाकर मछलियाँ पकड़ने ऐसी डरते या फिर आपको किनारे ऐसी मेगलाडोन जहाजों का पीछा करते हुए दिखाई देती और समुद्र इंसानों के लिए काफी ज्यादा जानलेवा हो जाता इसीलिए अच्छा हुआ कि ये जानवर सदियों पहले ही विलुप्त हो गया जिस वजह से आज हम लोग बिना डर के डाइविंग और सर्फिंग कर सकते हैं जिनके विलुप्त होने का कारण आइस एज को माना जाता है जिसने इस प्रजाति को बर्फ में जमा कर या फिर खाने की कमी से विलुप्त कर दिया जिससे आज ये सिर्फ किताब या फिर मूवीज में जिंदा रहकर रह गई। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दे और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उसपे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना